अप्रैल 2024 का पहला खेल और खिलाड़ी लेकर पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हम सब का सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक मेहमान जो हैं वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जो मेहमान हैं उन्होंने मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत की है एडवेंचर स्पोर्ट्स के, और आपको यकीनन जो है काफ़ी लुत्फ़ आएगा जब आप सुनेंगे कि वो कहाँ कहाँ तक पहुँचे और किन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार आज के मेहमान के बारे में जानने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हज़्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं अप्रैल माह के आगाज़ से ही वादी के मौसम में दिन ब दिन बेहतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे नौजवान मैदानों पर कई तरह की खेलों में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा गुज़श्ता दिनों के दौरान मौकामी सतह की खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंडअप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। जम्मू में मुनक्कद जूनियर और सब जूनियर कौमी वुशू लीग 2024 रंगारंग तकरीब के साथ हुई मुकम्मल। फाइनल राउंड में मणिपुर ने पहला, हरियाणा ने दूसरा और मेजबान जम्मू कश्मीर ने तीसरा मुकाम किया है हासिल। जम्मू में ही मुनक्कद वुशू लीग के दौरान खेल इंडिया सेंटर शोपियान ने कोच रमीज अहमद की कयादत में कुल मिलाकर 4 मेडल जीत लिए, जिसमें 3 गोल्ड और 1 सिल्वर का मेडल है शामिल। आई लीग 2023-24 के और एक एकतरफा मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने नेरोका एफसी को 3-0 के स्कोर से हराया, और कल 6 अप्रैल को रियल कश्मीर का अगला मुकाबला कल्याण स्टेडियम में ट्राउ एफसी के साथ होगा। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से श्रीनगर में मुनक्कद बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई अख्ताम पजीर, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। वादी से ताल्लुक रखने वाली खिलाड़ी आफरीन हैदर ने महाराष्ट्र में मुनक्कद ताइक्वांडो सीनियर चैंपियंस कप 2024 के दौरान 1 सोने का मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। जम्मू में मुनक्कद 35वीं जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 हुई अख्ताम पजीर, फाइनल में उधमपुर ने सांबा वॉलीबॉल क्लब को हरा के मुकाबला जीत लिया। इस चैंपियनशिप में यूटी के 16 टीमों ने की थी शमूलियत। जम्मू में हुआ सेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल के हाथों ओपन सॉफ्टबॉल बेसबॉल चैंपियनशिप 2024 का शानदार आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर के 14 अजला से वाबस्ता अलग अलग उम्र के 300 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के कैप्टन मोहम्मद हमाद को 1 साल के लिए एफसी गोवा ने अपनी टीम के स्क्वाड में किया है शामिल। हमाद ने सिर्फ ISL में शमूलियत के लिए गोवा के साथ मुआहदे पर किए हैं दस्तखत। MS स्टेडियम जम्मू में हुआ जिमनास्टिक्स खेल के हवाले से 4 रोजा तरबियत का प्रोग्राम मुकम्मल, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग की हासिल, ताकि आने वाले मुकाबलों में खिलाड़ियों को इसका फायदा मिल सके। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के जेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हुआ कई तरह की खेल सरगर्मियों का आगाज, जिनमें मुकामी तलबा व तालिबात जोश के साथ कर रहे हैं शिरकत, और बड़गाम में भी महकमा की जानिब से कई तरह के खेलों का हुआ आगाज। जम्मू कश्मीर पुलिस के जेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हुआ मार्टिनस मेमोरियल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 16 टीमें कर रहे हैं शिरकत। जम्मू के KK हक्कू स्टेडियम में हुआ हॉकी खेल के हवाले से 3 रोजा तरबियत का प्रोग्राम अख्तिताम पजीर, जिसमें जम्मू कश्मीर के जूनियर हॉकी खिलाड़ियों को जानकारी फराहम की गई, ताकि आने वाले मुकामी और कौमी सतह के इवेंट्स में खिलाड़ियों को इस तरबियत का भरपूर फायदा मिल सके। नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम DD कश्मीर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में। इसके अलावा आप हमको YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, आप YouTube पर DD कश्मीर चैनल पर जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स आपको मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप उनको देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और अब नज़र डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंडअप के साथ। IPL 2024 में अब तक KKR और राजस्थान रॉयल्स की टीमें उम्दा परफॉर्मेंस के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहली और दूसरी पोजीशन पर, दोनों टीमों के 6-6 पॉइंट्स, KKR की बेहतर रन रेट। कल किंग्स इलेवन पंजाब ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। आज IPL में हैदराबाद में सनराइजर्स और चेन्नई सुपर किंग्स का होगा आमना सामना। CSK ने जीते हैं 2 मैच, जबकि हैदराबाद ने अब तक 1 मैच जीता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ टीम की खराब कारकर्दगी के बावजूद आइगोर स्टेमैक को ही फिलहाल कोच बरकरार रखने का फैसला किया है। भारत जून में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलेगा कुवैत और कतर के खिलाफ। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके पार्टनर ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन ने मियामी ओपन का मेंस डबल्स टाइटल हासिल कर लिया है। फाइनल में बोपन्ना और एब्डन ने डॉडिक और ऑस्टिन की जोड़ी को हराया।
एस रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप से किया है पुल आउट, सात्विक हो गए हैं अनफिट, उनकी शोल्डर इंजरी जो है उसकी वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। दूसरी तरफ पीवी सिंधु नहीं खेलेंगी उबेर कप में, करेंगी ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर। टोरंटो में चेस के कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 में भारत के सभी पांच खिलाड़ियों ने किया ड्रॉज के साथ अपने फर्स्ट राउंड मुकाबलों का आगाज। इंडियन सुपर लीग आईएसएल में आज हो रहा है गोवा और हैदराबाद का मुकाबला, कल चेन्नई ने जमशेदपुर को 2-1 से हराया। मुंबई सिटी 20 मैचेस में 44 पॉइंट्स के साथ है सरफेरी। दूसरी तरफ आई लीग में मोहम्मदन स्पोर्टिंग नंबर एक पर है। पीसीबी ने बाबर आजम को फिर एक बार लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का कैप्टन बना दिया है। 18 तारीख से न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम पाकिस्तान की कयादत करेंगे T20 सीरीज में। 10 अप्रैल को चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 8 फर्स्ट लेग मैचेस का हो रहा है आगाज। आर्सेनल का मुकाबला होगा मैनचेस्टर सिटी के साथ, बायर्न म्यूनिख खेलेगा रियल मैड्रिड के खिलाफ। जुमेरात के रोज बासा का मुकाबला होगा पीएसजी के साथ और एटलेटिको की टीम डॉर्टमुंड के खिलाफ खेलेगी। ईपीएल में लिवरपूल पहुंच गई है टॉप पर, हराया शेफील्ड यूनाइटेड को 3-1 से, जबकि उधर चेल्सी को मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ 3 गोल के मुकाबले 4 गोल से कामयाबी हासिल हुई। और श्रीलंका ने चिटागोंग में मेजबान बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 192 रन से कामयाबी हासिल की और टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती। पहले टेस्ट में भी बड़ी जीत दर्ज की थी श्रीलंका की टीम ने मेजबान बांग्लादेश के खिलाफ। तो नाजरीन, अब बारी है मेहमान से मिलने की, तो कौन है आज के मेहमान ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, वादी कश्मीर पहाड़ों से घिरी हुई है, आप और हम पहाड़ों की खूबसूरती से महफूज होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहाड़ों को एक चैलेंज समझते हैं। वो समझते हैं कि पहाड़ उन्हें बुला रहे हैं, वो समझते हैं कि पहाड़ उनको चैलेंज कर रहे हैं, अगर दम है तो आओ हमें सर करो। और ऐसे लोग पहाड़ों के इस चैलेंज को कबूल करते हैं, पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। माउंटेनियरिंग एक बहुत ही खूबसूरत खेल है जिसे कुछ लोग स्पोर्ट के तौर पर, कुछ लोग हॉबी के तौर पर और कुछ लोग प्रोफेशन के तौर पर अपनाते हैं। आज हमने जिस खिलाड़ी को अपने प्रोग्राम में मधु किया है वो माउंटेनियरिंग को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा समझते हैं। आइए मिलते हैं मुजम्मिल हुसैन मीर से। मुजम्मिल, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। थैंक यू। मुजम्मिल, आपका और माउंटेनियरिंग का आपस में रिश्ता क्या है? रिश्ता यही है सीनरी, मतलब जब भी हम पहाड़ पे जाते हैं बस इंसान जो है मगन हो जाता है, जो भी वहाँ के बादल है, सीनरी है, वहाँ के लेक्स है। देखिए, पहाड़ हैं पहाड़ पे, यहाँ कश्मीर में बर्फबारी भी होती है और जब भी आप जाते हैं अक्सर पहाड़ों पे बर्फ होती है, और वहाँ पर जो माहौल होता है, वहाँ के अशजार खूबसूरत, पहाड़ के साथ साथ दरख्त होते हैं, वहाँ के जानवर होते हैं, और ये वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, तो ऐसे में आप अपने आप को कुदरत से कितना करीब समझते हैं? बहुत करीब समझते हैं हम कुदरत से। तो क्या लगता है आपको, अगर आप माजी की तरफ नज़र दौड़ाएं, कब पहली बार आपको पहाड़ ने अट्रैक्ट किया? ये 2017 की बात है, जब मैंने मतलब रनिंग में मैं इंट्रोड्यूस हुआ कॉलेज की तरफ से, इस्लामिया कॉलेज। तो जब मैंने वहाँ पे पोजीशंस हासिल की, कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, तो उसके बाद जो डॉक्टर अल्ताफ़ रहमान सर वहाँ पे थे कॉलेज में, तो उन्होंने मुझको इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल, उन्होंने मुझको इंट्रोड्यूस किया ट्रैकिंग में, ट्रैकिंग हाइकिंग, तो उसके बाद बस ये शौक चलता ही गया। ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है? माउंटेनियरिंग असल में उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं जब आप पहाड़ क्लाइम करना है, तो ट्रैकिंग हो गया जब आप 2-3 दिन के लिए जाते हैं पहाड़ पे, अपना रक्सैक टेंट वेंट लेके। यानी ट्रैकिंग जो है वो क्लाइंबिंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए पहला कदम है। यू स्टार्ट विद ट्रैकिंग, देन यू डेवलप इंटरेस्ट इन माउंटेनियरिंग, एंड यू गो फॉर स्केलिंग माउंटेन। बिल्कुल। तो कौन कौन से माउंटेन्स आपने स्केल किए? मैंने विंटर में रिसेंटली ये लोहर कोट किया था स्केल। किस साइड ये पड़ता है? ये पड़ता है कंगन, कंगन साइड से। जी, अब देखिए, जब पहाड़ को आप स्केल करते हैं, कहते हैं ना द माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई मस्ट गो, व्हेन यू फील दैट यू हैव माउंटेन्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू ऑलवेज फील दैट देयर इज अ चैलेंज एंड दीज माउंटेन्स आर डेफिनेटली गोइंग टू कॉल यू, दे आर टेलिंग यू कम एंड स्केल अस एंड यू थिंक यू मस्ट गो, आपकी कैफियत क्या होती है उस वक्त? उस वक्त मतलब हैप्पीनेस होती है एक इंसान की, मतलब बहुत अच्छा लगता है। बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम, जब आप बहुत मुश्किल क्लाइम करते हैं और मंजिल पे पहुंच जाते हैं,
इसी तरह देखिए जो एडमंड हिलरी थे जिन्होंने टेंगजिंग नॉर्गे के साथ 1953 में पहली बार वो इसको हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट को सर किया, तो उन्होंने कहा था कि इट इज़ नॉट माउंटेन्स वी कनकर बट आवर सेल्फ, यानी हम माउंटेन को सर नहीं करते बल्कि अपने आप को अपनी जात को सर करते हैं। तो कितना अहम है इंसान की जिंदगी के लिए जब आप बहुत करीब आते हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ हैं, बादल हैं, बर्फ आपके कदमों तले है और आप ऊपर चढ़ रहे हैं, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा खौफ होता है माउंटेनियरिंग के टाइम? माउंटेनियरिंग के टाइम बहुत सारे रिस्क है, जैसे कि अगर आप बर्फ में गए तो एवलांच के खतरे है, या समर में देखो रॉक फॉल का खतरा है, या क्रिवासेस है विंटर्स में। और जानवरों का देखिए, अगर समर्स में आप गए तो सांप वगैरह हो सकते हैं, बिल्कुल, या जंगली जानवर हो सकते हैं, तो इन चीज़ों से निपटने के लिए आप कौन से इकदाम उठाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम ट्रैकिंग हाइकिंग के लिए जाते हैं या माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखते हैं हम लोग जी, कि ये जो ट्रैक है ये सेफ है कि लेक बिल्कुल पे आप थे। जी, ये कौन सी लेक है? ये हीरपुरा साइड से लेक है, कटोरी सर। अच्छा, और ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हमारा श्रीनगर में ही है, दारा हरवन साइड से। अच्छा, मामने साइड, हाँ, बिल्कुल खूबसूरत है, हम लोग जाते नहीं है इतने करीब होके, लेकिन आप जैसे नौजवान जाते हैं और इन चीजों को एंजॉय करते हैं। जब आप गए थे पेंगोंग फ्रोजन लेक, वहां पर कौन सा कारनामा आपने सरंजाम दिया? वो मेरा पहला, मतलब ये मेरा शौक था लद्दाख भी जाना, इसने मेरा वो ड्रीम भी पूरा किया, और वहां पे मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट था, 21 ऑल्टीट्यूड फ्रोजन लेक हाफ मैराथन। बिल्कुल जी, तो ये जो अचीवमेंट है आपके लिए कितनी मायने रखती है? बहुत बड़ी, बहुत मायने रखती है ये अचीवमेंट। और उसके बाद जब आपको इनाम और इकराम से नवाजा जाता है मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ, आपको मेडल्स मिलते हैं, आपको ट्रॉफीज मिलती हैं, और आप फिर मुड़ के देखते हैं, आपको लगता है कि जो आपने किया है उसकी पजीराई हो रही है? और जब आप सोशल वर्क भी करते हैं और सेंचुरीज को प्रिजर्व करने के लिए भी आप रनिंग करते हैं और फिर आप मुख्तलिफ स्पोर्ट में हिस्सा लेते हैं, तो आपकी कैफियत कैसी होती है? डू यू फील ए सेंस ऑफ अचीवमेंट? मैं अपने आप को खुशकिस्मत पाता हूँ कि मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में मतलब हिस्सा लिया है। अभी जो देखे कि बहुत सारा जो यूथ है ड्रग्स में मुब्तला है या बहुत सारी चीज़ों में मुब्तला है, मतलब स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ड्रग्स से दूर भी आप गए थे। बिल्कुल, तो जापान की बताइए, वहीं की तस्वीर है। बिल्कुल, क्या किया था आपने, कौन सी? मैंने वहाँ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था में? मैंने वहाँ 9 किलोमीटर रन की थी स्नो शूइंग। अच्छा, आप एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली, तो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की वजह से आप स्नो शूट कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, माउंटेनियरिंग भी करते हैं, और साथ में आप डिकेथलॉन भी करते हैं, और उसके बाद स्काई रनिंग भी करते हैं। स्काई रनिंग के बारे में बताइए, स्काई रनिंग होती क्या? स्काई रनिंग जो है एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 2000 मीटर स्टार्ट होती है। अच्छा, उसके ऊपर अगर आप दौड़े तो उसको कहते हैं स्काई रनिंग। बिल्कुल, तो आपने भी पार्टिसिपेट किया है? बिल्कुल, यहाँ पे, यहाँ पर उसका रिवाज नहीं है स्काई रनिंग का, और उस तरीके से स्काई रनिंग को परस्यू नहीं किया जाता जैसे दुनिया भर में मुख्तलिफ इलाकों में किया जाता है। बिल्कुल, ये एक नीच स्पोर्ट है मतलब कश्मीर में स्काई रनिंग, बाकी वर्ल्ड में तो फेमस है स्काई रनिंग। स्नो शू में आपने खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया? बिल्कुल, गुलमर्ग में जो मुकाबले होते वहां पर आपको मेडल वगैरह मिला था। तो स्नो शू रनिंग और माउंटेनियरिंग में आपस में क्या ताल्लुक है? स्नो शूइंग और माउंटेनियरिंग में बहुत ही अंतर है। स्नो शूइंग में आप रन भी कर सकते हैं, हाइक भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं। तो स्नो शू पहन के आप माउंटेनियरिंग नहीं कर सकते? माउंटेनियरिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। देखिए, जब आपको क्लाइंबिंग करने जाना होता है तो एक हिस्सा आप तय कर सकते हैं बाई स्नो शू, बाई बीटिंग द स्नो। तो तैयारी कहाँ पहुंची आपकी, अब कहाँ निकल रहे हैं आप? अभी मैं निकल रहा हूँ कारगिल की तरफ, कारगिल इंटरनेशनल मैराथन होने जा रहा है। अच्छा, तो उसकी तैयारियां चल रही है इस वक्त जो वीडियो हम देख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप श्रीनगर के शंकराचार्य से देख रहे हैं, पूरा व्यू है, कितना खूबसूरत मंजर है। और अपने आप को फिट रखने के लिए आप रनिंग करते हैं और खूबसूरत इलाकों से गुजरते हैं, तो क्या समझते हैं कि नौजवानों को इस तरह के स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए और किस हद तक हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल, हम मतलब हमारा यही होता है कि जो आज का यूथ है वो इंस्पायर हो हमसे, कि वो जो है स्पोर्ट्स में हिस्सा ले।
आपकी माउंटेनियरिंग और आम माउंटेनियरिंग में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि आप दौड़ते दौड़ते भी माउंटेनियरिंग करते हैं। बिल्कुल, ये कौन सा डिफरेंस है और ये ख्याल आपको कहाँ से? ये ख्याल मतलब पहले से ही था जब मैंने देखा कि लोग मतलब ये बोरिंग ट्रैकिंग होता है। ये कौन सी जगह बताइए? ये लोहर कोट है जो हम पहली बार सबमिट हुआ है, लोहर कोट टू। अच्छा, किस साइड पड़ता है ये? पड़ता है कंगन साइड से। अच्छा, कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई करीबन 4400 मीटर के आसपास। अच्छा, इसमें आप अकेले गए थे या पूरी टीम? नहीं, मेरी तीन बंदों की टीम थी, बट दो ने ही ये सर। ये आप समिट के बहुत करीब है। बिल्कुल, तो जहाँ ने जब स्केल की समिट, तो वहाँ पर कुछ झंडा लगाते हैं, कुछ ऐसा कोई निशान छोड़ जाते हैं, और देखिए बर्फ से जूझते हुए ये बिल्कुल पहुंच रहे हैं आप समिट पे। बिल्कुल, ये समिट पूछता और यहाँ बहुत खुश था मैं कि मैं जो है समिट तक पहुंच गया। और एंड्योरेंस यहाँ पर काम आती है। बिल्कुल, आपकी एंड्योरेंस का पूरा टेस्ट लिया जाता है कि आप मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर कहीं हिम्मत ना हार दें। कहते हैं ना, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता। बिल्कुल, तो हिम्मत कितनी इंपॉर्टेंट है और फिर कोशिश उसके साथ कितनी अहमियत रखती है? सबसे बड़ी चीज़ है माइंडसेट, एक माइंडसेट बना के चलना है एक इंसान को। क्या क्या इक्विपमेंट काम आता है आप जब जाते हैं पहाड़ों पर? देखिए, सबसे पहले अगर हम विंटर में गए तो थ्री लेयर क्लोथिंग चाहिए, शूज, ग्लव्स, बिल्कुल हाई एंकल शूज चाहिए, वाटरप्रूफ शूज चाहिए, वार्म सॉक्स चाहिए, ग्लव्स चाहिए। और अगर वाटरप्रूफ शूज वगैरह ना हो, ये इक्विपमेंट ना हो, तो इंसान का खतरा होता है, गैंग्रीन का खतरा हो सकता है। बिल्कुल, खुदा ना खास्ता है जिसमें किसी हिस्से को काटना पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको वाटरप्रूफ चीज़ें हों और आपके पास टॉप क्लास इक्विपमेंट हो। क्या आपको यहाँ की स्पोर्ट्स काउंसिल है या दीगर स्पोर्ट्स से मुंसलिक इदारे हैं, इस जिम्मे कुछ मदद करते हैं इक्विपमेंट के लिए? हमें तो अभी तक जेके टूरिज्म ने सपोर्ट किया है, चाहे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, चाहे गुलमर्ग में हो या श्रीनगर में हो, उन सब ने मतलब वहाँ से बहुत सारा सपोर्ट मिला है अभी तक। सॉफ्ट स्नो है। बिल्कुल, कभी ज़्यादा हार्ड स्नो होती है तो उस तरीके से आप दौड़ नहीं सकते जैसा कि आप इस वक्त दौड़ रहे हैं। ये स्नो शूइंग कर रहे हैं एक साथ। बिल्कुल, वो स्नो शू पहन के। तो अब आप निकल रहे हैं, ये कौन सी समिट के लिए निकल रहे हैं आप? ये हम ये जो है, ये जगह जो है मरचोई है। किस साइड पड़ती है ये? पड़ता है नारानाग साइड से। नारानाग साइड से, जी। आपकी टीम में कितने लोग थे और आप किस तैयारी के साथ निकले हुए? 8 बंदे थे। तो ये अभी हम एवलांच एरिया जो है हम क्रॉस कर रहे हैं जी। पहाड़ों में देखिए जो दरख्त होते हैं, दरख्तों पर भी बर्फ होती है। बिल्कुल, वो आप पर गिर सकती है, दरख्त खुदा न खास्ता आप पर गिर सकता है। बिल्कुल, तो इसके लिए कुछ मॉनिटरिंग होती है? कोई आप जो साथी होते हैं आपके, कुछ लोग मॉनिटरिंग के लिए चलते हैं कि देखते हैं आगे पहले कि रास्ता कैसा है, बाकियों को फिर डायरेक्शन देते हैं, हाँ यहाँ से निकलिए? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है विजिलेंट रहना, क्या आसपास हो रहा है, क्या कुछ खतरा तो नहीं है, एवलांच का खतरा तो नहीं है। और यहाँ पर कैसी कैफियत है? आपको लगता होगा हम बिल्कुल जन्नत में पहुँच गए। ये हिस्टोरिक रूट है मुगल्स का। अच्छा, ये कौन सी जगह? ये है ये अभी लिदवास है, हरवन साइड से। हरवन साइड, बिल्कुल। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं तो इसके लिए खाना पीना भी जरूरी है। बिल्कुल, अगर आपका ट्रैक है या माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, 5-6 दिन का प्रोग्राम है, तो खाने पीने में आप कैसे ट्रैवल करते हैं इतना हैवी खाना लेके? और अगर आपको हीटिंग का इंतजाम करना हो तो इसके लिए कुछ स्पेशल गैजेट्स होते हैं, स्पेशल हीटर्स होते हैं, स्पेशल गैस स्टोव्स होते हैं? बिल्कुल, गैस स्टोव्स होते हैं। अभी रिसेंटली पैचेस आए हुए हैं, उनको शेक करना है बस, वो आपको 6-7 घंटे जो है वार्म रखते हैं। अच्छा, तब तो हमने यूज नहीं किया बट अब आए हुए हैं तो अब हम यूज कर सकते हैं। गैस हीटर्स भी आते हैं जिनमें वो एक गैस होती उसको है, ब्यूटेन स्टोव, ब्यूटेन से तो आप वहाँ पे गर्म कर सकते हैं अपनी ग़िज़ा और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इलाका बताइए किस हद तक अनटच्ड है, कितने लोग वहाँ गए हुए हैं इस इलाके में, और टूरिस्ट किस हद तक इस जगह से मानूस है और इसको ट्रैक करना चाहते हैं? 2019 में ये हमने पहली बार हमारा पहला ग्रुप था जिन्होंने जनवरी में इसको गए थे लिदवास। लिदवास, बिल्कुल, ये हिस्टोरिकल रूट है टुवर्ड्स महादेव, हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीनगर। जी जी जी, और कहीं कहीं आप दौड़ते भी हैं? बिल्कुल,
तो दौड़ने में आपकी जो ताकत है या स्टेमिना है वो खर्च हो जाता होगा, फिर आप थकावट? नहीं, दौड़ने में ये वजह है कि हम जो है दौड़ते इसलिए है जब हम वापस आते हैं क्योंकि बॉडी बिल्कुल वार्म करने के लिए। तो ये आप इस वक्त तैयारी कर रहे हैं समिट से कंप्लीट होके, आपको खेलो इंडिया में भी अवार्ड मिला था? बिल्कुल जी। अब मुझे बताइए, ये जो माउंटेनियरिंग का खेल है ये हमारे लिए कितना पोटेंशियल रखता है कश्मीर में? हिमालयन रीजन है, बहुत ही पोटेंशियल है इसमें। देखिए नेपाल में जो वहाँ का जीडीपी है उस पर बहुत मुनहसर है वहाँ की जो माउंटेनियरिंग है, खासकर जो एवरेस्ट स्केलिंग करते हैं टूरिस्ट आते हैं उनके जो वो पैसा खर्च करते हैं उस पर बहुत दारमदार है वहाँ के जीडीपी का। तो हमारे यहाँ किस हद तक टूरिज्म को हम मुंसलिक कर सकते हैं माउंटेनियरिंग से और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स से, ताकि यहाँ पर भी टूरिज्म डेवलप हो इस एंगल से और स्पोर्ट्स और टूरिज्म का एक संगम हो जाए जिससे टूरिस्ट भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और जो आप जैसे खिलाड़ी हैं उनको भी रोज़गार मिले? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम समर को छोड़ दें, विंटर की बात करें, विंटर में हम एक ही डेस्टिनेशन प्रमोट कर रहे हैं वो तो गुलमर्ग है, तो हम बाकी डेस्टिनेशंस है जैसे और भी डेस्टिनेशन है, तोसा मैदान है या सोनमर्ग है, पहलगाम है, ऐसी चीज़ें को प्रमोट हम स्नोकलिंग से, दारा बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल दारा तो नज़दीक है, इसको भी प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में होता है या हिमाचल में होता है, वो एजेंसीज है वहाँ की स्नो शू लिए हुए हैं, वो स्नो शू ट्रैक कराते हैं, बट तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके लिए क्या किया जाए? देखिए उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि मतलब टूरिज्म को कदम उठाने चाहिए इसके, टूरिज्म डिपार्टमेंट, बिल्कुल, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स को, स्पोर्ट्स काउंसिल डिपार्टमेंट्स, देखिए और माउंटेनियरिंग एसोसिएशन है, वो तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस पर, इस चीज़ पे। देखिए बहुत सारे क्लब्स है, लोकल्स है, रजिस्टर्ड है जो कि स्पोर्ट्स को बहुत सारा प्रमोट कर रहे हैं। तो कितना पोटेंशियल लगता है आपको कि टूरिज्म और माउंटेनियरिंग का आपस बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है? मतलब मुझको लगता है कि अगले 2-3 साल में तो माउंटेनियरिंग तो अभी मतलब शुरुआत ही है, बट इन फ्यूचर काफ़ी हद तक जा सकता। आपका बहसीत माउंटेनियर नेक्स्ट टारगेट कौन सा है, किस पीक को आप स्केल करना चाहते हैं? जाहिर है कि अल्टीमेटली तो आप चाहेंगे एवरेस्ट को स्केल करना, लेकिन अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? नेक्स्ट टारगेट है ट्रेल रनिंग ही, मैं हम 5-10 लेक्स देखे, जैसे कि ग्रेट लेक्स है, वर्ल्ड्स फेमस ट्रेल है। अच्छा, जो कि टारसर मार्सर वगैरह लेक्स तो आप ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, टारसर मार्सर सुंदरसर, वन डे में मैंने ट्रेल रन की है उसमें। अच्छा, 52 किलोमीटर। अब कौन से ट्रेल रन करना चाहते हैं? अब मैं 70 किलोमीटर ट्रेल रन करना चाहता हूं जो कि नारानाग से स्टार्ट होगा और सोनमर्ग में खत्म होगा, उसमें से हमें 7 जी लाएंगे। अच्छा, तो मुझे बताइए आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जो आपको याद आता हो। मेरा जो खूबसूरत लम्हा वो पेंगोंग लेक पे जो मैंने रन की 21 किलोमीटर। और सबसे मायूसकुन लम्हा जब आपको लगा कि मैंने अचीव करना था इस चीज को लेकिन मैं नहीं कर पाया, जब आप डिसअपॉइंट हुए? बिल्कुल, रीसेंट एक्सपेडिशन था मेरा विंटर माउंट लोह थाजवास। अच्छा। जो कि तीसरी बॉल स्केल किया हुआ था मेरे फ्रेंड ने जीशान, तो अब मेरा पहला कदम था कि मैं इसको विंटर में पहला बनूं कि मैं स्केल करूं, तो 300 मीटर पे ही मुझे कॉल बैक करना पड़ा क्योंकि वहां पे हमें टाइम नहीं था। ऐसा कोई मौका जब आप इस तरह भी कैफियत से गुजर रहे थे, बेचैनी थी आपको कि बहुत दिन हो गए अभी स्केल नहीं किया, पहाड़ों में नहीं गए, तो कोई ऐसा मौका जिंदगी का जहां आपकी इस तरह भी कैफियत बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई? देखिए वैसा तो मुझे लगता है यही बताऊंगा कि जो मैं थाजवास पे गया वही मेरी मतलब क्यूरियोसिटी थी कि वहाँ का कब जाऊँ, कैसे जाऊँ। कि आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल मैं खुद अपना आप हूँ। यानी आप अपने आप को ही आगे रख के यू वॉन्ट टू पुश योर सेल्फ फॉरवर्ड? बिल्कुल, मैं अपने आप को ही पुश करता हूँ। फिर भी कोई ऐसा खिलाड़ी होगा चाहे वो एंड्योरेंस रनिंग का हो, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स का हो, माउंटेनियरिंग का हो, शू स्नो शूइंग का हो, कोई तो ऐसा खिलाड़ी होगा जिसको आप देखते हैं, आप सोचते हैं मैं इसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करूं? इल्यूड किपचोगी है जो मैराथनर है, जिसने सब 2 आवर मैराथन दौड़ी, उसका एक फेमस कोटेशन है कि नो ह्यूमन इज लिमिटेड। ओके, वंडरफुल।
सही बात है, इंसान की जो काबिलियत है, इंसान की के अंदर जो छुपा हुआ है उसकी कोई हद नहीं है. यू हैव टू टैप, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल फर्स्ट, देन यू हैव टू टैप योर पोटेंशियल, देन अल्टीमेटली यू रियलाइज योर पोटेंशियल. वंस यू रियलाइज योर पोटेंशियल, यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ. तो माउंटेनियरिंग ने आपको अब तक क्या दिया? माउंटेनियरिंग मैं बोलूंगा एडवेंचर स्पोर्ट्स ने मुझे क्या दिया, एडवेंचर स्पोर्ट्स ने मुझे आज तक जो है दोस्त दे दिए. बहुत सबसे बड़ी चीज है दोस्त. मैंने मतलब आमतौर पे कहा जाता है स्पोर्ट्स को परस्यू करते हैं, सोचते हैं नौकरी मिलेगी, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, लेकिन स्पोर्ट्स का बुनियादी जो हदफ होता है, जो पैशन होता है स्पोर्ट्समैन का, जो इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, वो ये होता है कि मैं फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए स्पोर्ट्स को परस्यू करूं. तो आपको लगता है कि स्पोर्ट्स की वजह से आप पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं और आप फिजिकली फिट रह सकते हैं? बिल्कुल, फिजिकली फिट भी रह सकते हैं, पढ़ाई भी. मतलब उसमें कोई पैगाम देना चाहते हैं अपने हम उम्र नौजवानों को? मैं यही पैगाम देना चाहता हूं, स्पोर्ट्स ज्वाइन कीजिए और ड्रग से दूर रहिए. चलिए मुजम्मिल हुसैन मीर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमें माउंटेनियरिंग और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और दोस्तों अब प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास. नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल आपको खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम की एक मैसेज देते हैं. चूंकि हमारा अगला एपिसोड जो है वो ईद उल फितर के कई दिन बाद है, तो प्रोग्राम कंट्रोल रूम में मौजूद सभी मेंबर्स की तरफ से, स्टूडियो में मौजूद सभी मेंबर्स की तरफ से और पूरी दूरदर्शन जो डीडी कश चैनल की टीम है उसकी तरफ से आपको एडवांस में ईद की मुबारकबाद. हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा. इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.